हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड मैं हूं नीलम और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा होम रेमेडी लेकर आई हूं फ्रेंड, जो कि रुके हुए पीरियड को जल्दी से लाने में बहुत ही हेल्प करेगा। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि पीरियड से रिलेटेड है। आपका रुका हुआ पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है, कई महीनों से अगर आपका पीरियड रुका है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और ये वीडियो जो मैं बना रही हूं इसको भी आप देखिएगा। आप इनमें से कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत सारा शेयर जरूर करें फ्रेंड, ताकि और भी महिलाओं को हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जो कि पीरियड की ऐसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। लड़कियां हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, कोई भी हो, या सभी इस तरह की प्रॉब्लम को इस समय फेस कर रही हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके थ्रू और भी लोगों को हेल्प मिल सके। कैसे बनाना है जान लेते हैं। फ्रेंड इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगी जिंजर यानी कि अदरक। अदरक काफी गर्म तासीर की होती है और पीरियड को लाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। अदरक जहाँ हमारे शरीर के हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, पेट का गैस भी दूर करती है और साथ ही साथ कफ और कोल्ड को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और अदरक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड हमारी पूरी बॉडी के लिए। अदरक बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुणकारी औषधि है। फ्रेंड हमारे आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, ऐसे ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर की किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उनमें से ही ये एक नुस्खा है अदरक का। अदरक का इस्तेमाल करके किस तरह से पीरियड लाया जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे अदरक और इसके छोटे छोटे पीसेस हम काट लेंगे, छोटे छोटे पतले पीसेस हम काट लेंगे और हमें बहुत ज्यादा अदरक की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से हम लेंगे। ये देखिए 5-6 पीस हमने काट लिए हैं यहाँ पे। अब इससे ज्यादा नहीं लेना फ्रेंड, वरना ये नुकसान कर सकता है क्योंकि काफी गर्म तासीर का होता है। और अब हम इसको एक बर्तन में डाल देंगे। अदरक में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो एलर्जी यानी कि जो सांस की एलर्जी होती है उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं और साथ ही हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती हैं। इसीलिए अदरक का चाय में या काढ़े में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमें छोटी छोटी जो वायरसेस होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं या जो भी कफ कोल्ड या फ्लू होता है उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा मैंने कफ कोल्ड से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोज बनाए जिसमें बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल वीडियोज हैं, तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। आपको उन वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक को डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी एक गिलास पानी। एक गिलास पानी मैंने यहाँ पर डाला है और अब मैं इसको बॉईल करूंगी जब तक ये पानी आधा न रह जाए। जब ये पानी आधा हो जाएगा तब तक हम इसको उबालेंगे और फिर हमारा ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड हमने इसको गैस पर रख दिया है और अब हम इसको खूब अच्छे से उबाल लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये नुस्खा हमारा बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको छान लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने इसको छान लिया है और इसको ऐसे ही गर्म ही पीना है और ये नुस्खा हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड। और इसको पीना कैसे है बात कर लेते हैं। इसको कंज्यूम करने के लिए फ्रेंड आपको इसको गर्म ही पीना है, यानी कि जिस तरह से आप गर्म चाय पीते हो वैसा ही ये गर्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, आप इजिली इसको पी सको इतना गर्म होना चाहिए। और फ्रेंड अगर आपको इसको पीने में यानी कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको ये कड़वा लगता है, आप इसको नहीं पी पा रहे हैं, तो आप इसमें एक चम्मच हनी ऐड कर सकते हैं। इसमें एक चम्मच हनी, इस गर्म काढ़े में एक चम्मच हनी आपको मिक्स करके तब इसको पी लेना है, या आप कोई या आप एक डली पुराना गुड़ या कोई भी गुड़, आप कोशिश करें कि आप पुराने गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि पुराना गुड़ पीरियड को जल्दी से लाने में हेल्प करता है। तो आप इसमें पुराना गुड़ डालकर घोलकर भी गर्म ही आप इसको पी सकते हैं। तो वैसे ये नुस्खा फ्रेंड अकेले ही काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पर हनी ऐड करके आपको नहीं दिखाऊंगी। आप इस काढ़े को इसी तरह से गर्म पीना है जैसे कि आप गर्म चाय पीते हो। तो इसको फ्रेंड आपको कितनी बार पीना है ये सवाल आप जरूर सोचेंगे, आपके मन में ये बात जरूर आएगी। तो फ्रेंड हर व्यक्ति का अपना अपना बॉडी टाइप होता है, हर महिला की अपनी अपनी बॉडी टाइप होता है, इसीलिए ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि ये आपके ऊपर एक दिन में वर्क करेगा या दो दिन तीन दिन में वर्क करेगा। फ्रेंड हो सकता है आपको इसको एक ही दिन में पीने पर आपको रिजल्ट मिल जाए, आपको पीरियड आ जाए, या दो दिन तीन दिन भी लग सकते हैं। तीन दिन आपको लगातार पीना है, यानी कि जब तक आपका पीरियड नहीं आता तब तक इस नुस्खे को पीते रहना है। तो 2-3 दिन में आपके पीरियड वैसे आ जाते हैं और किसी किसी को एक ही दिन में आ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन में नहीं आते तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक भी आप इसको पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी अदरक एंटीबायोटिक होती है
और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज होती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो इसलिए आप इसको पियेंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं है। फ्रेंड, पीरियड को जल्दी लाने में गर्म चीजें बहुत ही वर्क करती हैं, तो आप गर्म चीजें खाएं, और जो चीजें गर्म होती हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है, वही चीजें आप ज्यादा ज्यादा खाएं, इससे आपका पीरियड जल्दी आने में हेल्प होती है। कई बार ऐसे ही पीरियड बेवजह लेट हो जाते हैं, आपके शरीर में एनीमिया की कमी है तो भी पीरियड लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए आप अपने खानपान का ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, नियमित दिनचर्या अपनी रखें, और तो इसका प्रयोग करके आपका पीरियड आ जाएगा। अगर इसका प्रयोग करके आपका पीरियड नहीं आता तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर भी मैंने पीरियड को जल्दी लाने के बहुत ही आसान से घरेलू उपाय बताए हैं, जहां पर आप 2-3 महीने से रुका हुआ पीरियड या सालों से रुका हुआ पीरियड अगर आपका है तो भी आपका पीरियड आ जाएगा उन नुस्खों का इस्तेमाल करके, तो आप उन नुस्खों को भी देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस लाल बटन को प्रेस करके उसके बाद एक घंटी के निशान आएगा उसे भी प्रेस कर दें, और एक ऑल ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, इस तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की यूजफुल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।